क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है और पहली बार टेस्ट टीम में इतने सारे बदलाव हुए हैं। टीम में युवा खिलाड़ियों को खासी तवज्जो दी गई है और टीम करीब करीब वही है जो फ्लेम मीडिया ने आपको बताई थी और एक बार फिर से फ्लेम मीडिया की खबर पर मुहर लगी है। आपको वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम बताते हैं तो टीम में बतौर ओपनर तीन खिलाड़ियों को चुना गया है। केएल राहुल टीम में बरकरार हैं और उनके साथी के तौर पर मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ को मौका मिला है। यानी शिखर धवन और मुरली विजय की परमानेंट छुट्टी हो गई है और साफ कर दिया कि वनडे के परफॉर्मेंस के आधार पर टेस्ट टीम में जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। मिडिल ऑर्डर में कप्तान विराट कोहली की टीम में वापसी हुई है। उनके साथ उप कप्तान अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी टीम में शामिल हैं, जबकि करुण नायर को एक बार फिर से बगैर मैच खिलाए ही बाहर कर दिया गया है। विकेट कीपर के तौर पर एकमात्र खिलाड़ी ऋषभ पंत टीम में मौजूद है। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो तीन स्पिनर्स को रखा गया है। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की स्पिन तिकड़ी है और बहुत संभव है कि पहले मैच में तीनों ही स्पिनर्स को मैच खिलाया जाए। तेज गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे को देखते हुए आराम दिया गया है और टीम में मोहम्मद शमी, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर को रखा गया है। इनके अलावा युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टेस्ट टीम में मौका दिया गया है। यानी कुल मिलाकर टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे को देखकर चुनी गई है और कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।